लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के साथ ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीट किस राज्य में मिलेंगी। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया कि बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इस बार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे पास 3 सीटें थी, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें पिछले चुनाव में भारी बहुमत मिली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होने वाला है। बीजेपी को सबसे कम सफलता पश्चिम बंगाल में ही मिल रही है। वहां का चुनाव एक तरफा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत में कहा, मुझे मेरे एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को सचेत करना है, क्योंकि इनको अंधेरे में रख कर के ये लोग लूट चला रहे हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। इसलिए मैं आग्रह पूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, 2 चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है। संविधान की मर्यादाओं का तार-तार किया जा रहा है, और वो भी अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग अपने आप को दलितों और आदिवासियों का हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया और उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। दिल्ली में जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय है, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। बाद में उभर कर आया कि करीब करीब 10,000 ऐसे संस्थान है जहां एससी एसटी ओबीसी के अधिकार को पिछले दरवाजे से छीन लिया गया। विपक्ष के इसी आरोप पर कि पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, पीएम मोदी ने बताया कि ये पास विपक्षी दलों ने किया है, मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं और इसलिए उन्हें झूठ बोलने के लिए ऐसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोप पर कि पीएम मोदी ने उन्हें जेल भेजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून को पढ़ लें, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत में उड़ीसा विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, उड़ीसा का भाग्य बदलने वाला है, सरकार बदल रही है। मैंने कहा कि वर्तमान उड़ीसा सरकार की समाप्ति तिथि 4 जून और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री उड़ीसा में शपथ लेंगे। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? सांसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाते हुए गिनाया था कि कैसे विपक्ष ने मुझे 101 गालियां दी थी। चाहे चुनाव हो या ना हो, विपक्ष के लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उन्हीं का है, और वे इतने हताश निराश हो गए हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है।